नमस्कार, मैं हूं नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिगंता। खबरों को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आपको पता लग सके। आज से तेरा नाम लक्ष्मण नहीं लक्ष्मी होगा। अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है, नाम है लक्ष्मी बम, और ये फिल्म साउथ की फिल्म कंचना की हिंदी रीमेक है। इस फिल्म को 9 नवंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज करने का फैसला लिया गया, लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म रिलीज हो, इसे बैन करने के लिए ट्विटर पर मुहिम छिड़ गई। दरअसल हुआ यूं कि ये सारी चीजें शुरू हुई अक्षय कुमार की इस वीडियो से। सुनिए। आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बातें आई मन में कहने के लिए, लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूं, किससे बोलूं, कितना बोलूं। देखिए, स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं, लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है। हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर, हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। जब जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई, जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे, इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है। चाहे वो एंग्री यंग मैन वाला आक्रोश हो, या फिर करप्शन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, हर इशू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर है। सुशांत सिंह राजपूत की सडन डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं, जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सबको, और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में झांकने को मजबूर किया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है, जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है। मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, जरूर करती है। वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर, हर प्रोफेशन में होती होगी, पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है। ड्रग्स इज अ लीगल मैटर, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स इस पे जो भी जांच, जो भी एक्शन ले रही है, वो बिल्कुल सही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा, पर प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो। ये सही नहीं है, ये तो गलत है ना। मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है। हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए, तो शायद बहुत से लोगों को ना आवाज मिलेगी, ना इंसाफ। मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपना काम, अपनी आवाज उठाना जारी रखे, लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसिटिवली, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज किसी इंसान के सालों की रेपुटेशन, बरसों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देगा। और आखिर में आप फैंस, आप लोगों को मेरा यही मैसेज है कि यार, आप सब नहीं तो हमें बनाया है, आपका विश्वास जाने नहीं देंगे। अगर आपको कोई नाराजगी है, तो हम और मेहनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की, आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे। यार, आप हो तो हम हैं, बस साथ निभाए रहना, साथ बनाए रखना, बस। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बाद लोगों ने अक्षय कुमार को ट्रोल करना शुरू कर दिया, कहने लगे कि सुशांत की मौत पर आप इतने दिनों तक क्यों खामोश रहे। कुछ लोगों ने कहा कि अक्षय कुमार ये सब अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने फिल्मों को बैन करने की मुहिम चलाई है,
जिस तरह आलिया भट्ट की सड़क 2 मूवी को लोगों की नफरत झेलनी पड़ी, वैसे ही अब लोग अक्षय कुमार की फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।